पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। मम्मी आपका परांठा काफी अच्छा बना है, परांठा दही काफी अच्छा बना है। परांठा दही होनी, मेरी चाय पक गई। मम्मी चम्मच निकालना, मैं टेस्ट करूंगी। बिना टेस्ट किए चाय पीना ना, और या इससे उतारना बिना टेस्ट किए अपराध होना चाहिए वैसे। ओ नाइस, चीनी भी ठीक है, मम्मी डाल दो। अब आप इसको डाल सकती हो कपों में। जीवन से इतने दुखी क्यों? आपने दही मांगी, मैंने इतने अच्छा आपको कटोरी में दही दी, अब आप मेरे पे चिल्ला रहे हो कि मैं कटोरी पहले लाई हूँ तो दही मैंने दूसरी कटोरी में क्यों डाली। मतलब आप क्या चाहते क्या हो? ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके से मेकअप करके खाना क्यों खा रही थी, क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले कोई कलर बार की तरफ से प्रोडक्ट रिसीव हुआ था, बट मैं अनफॉर्चुनेटली उसकी रील नहीं बना पाई थी, तो अभी मैं वही शूट कर रही थी। मेरे पास यहाँ पे कोई भी मेकअप और सामान नहीं था, तो मैंने उस अकॉर्डिंगली अपनी रील शूट की है आज ही, और आज ही एडिट करके अभी पोस्ट भी करनी है। तो लेट मी शो यू मुझे कलर बार से क्या रिसीव हुआ था। मुझे कलर बार से रिसीव हुई है दो चीज़ें, एक तो ये लिपस्टिक और एक ये नेल पेंट। इसका कलर बहुत सुंदर है, और अभी मैंने इसका रील शूट किया है, ये भी बहुत सही है, लाइट वेट है, पिगमेंट बहुत अच्छा है इसका, काफ़ी सही है। सो दिस इज़ द लिप शेड। डार्क कलर्स की एक अच्छी बात होती है कि अगर आपने कोई मेकअप नहीं भी लगाया और आपको मेकअप लगाने का मन नहीं है, तो आप एक डार्क लिपस्टिक लगाओ और वो काफ़ी अच्छा आपको लुक दे देती है। यार मेरे बाल का ये कर्व बड़ा अच्छा आ रहा है, नाइस लुकिंग, नाइस। अब दोबारा खाना क्यों बना रही हो? हैं? पहले कब बनाया था? अभी क्या खाया था? परांठे? ये रात के लिए। 4 बजे से तैयारी रात की। मेरी रील शूट हो चुकी है, एडिट हो चुकी है, अपलोड भी कर दी मैंने, और जहाँ पे लिंक शेयर करने थे वो भी कर दिया, और अब मुझे आ रही है नींद। हाय। अभी मैं सो के उठी हूँ, और मेरी मम्मी उठते के साथ मेरा मजाक उड़ा रही थी कि तेरी लिपस्टिक तो बड़ी अच्छी है, टस से मस नहीं हुई। मैं चाय रख के आई हूँ, उठने के बाद अजीब सा फील होता है, चाय पी के ही अच्छा लगता है। यहाँ हम बना रहे हैं चाय। अभी आई एम पैकिंग माई सामान, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी दिल्ली। पता नहीं दिल्ली से इतनी खुशी क्यों मिलती है। अबाउट लाइक 10 to 15 days बाद मैं दिल्ली जा रही हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे।